हाँ हम देखते हैं टेस्टर में। हाँ अब हमारा टेस्टर में लाइट आ चुका है, मतलब परफेक्टली हमारा जो सॉकेट है वो अब सही तरीके से ठीक हो चुका है। ये वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 पिन का सॉकेट आपको दिख रहा होगा। ये सॉकेट में क्या हो रहा है कि अभी लाइट नहीं आ रहा है। इस तरह का प्रॉब्लम आपके घरों में भी शायद होता होगा कि आपके घर में अगर 3 पिन का सॉकेट है और आप इंडक्शन वगैरह या फिर टेबल फैन वगैरह कुछ चला रहे हो तो वहां पर चल नहीं रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि सॉकेट की प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप खुद से सॉकेट को कैसे ठीक कर सकते हो इस वीडियो में आप लोगों को वही बताने वाला हूँ। इसको बस इजिली आपका ठीक हो जाता है नॉर्मली, क्योंकि हमारे नॉर्मली घर में होता क्या है कि जब जब भी इसमें लाइन नहीं आता इस सॉकेट में, तो हम लोग क्या करते हैं टेस्टर लगाते हैं, टेस्टर में जा करके देखते हैं कि इसमें लाइन आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। टेस्टर में होता क्या है वो आप एक बार ध्यान से समझ ले। टेस्टर में होता ये है कि अगर उसमें अर्थिंग वगैरह भी कुछ भी आता है तो टेस्टर में आपका शो होने लगता है, ठीक है। तो उसे शो होने से हमारा कंफर्म नहीं हो पाता कि हाँ हमारा उसमें लाइन आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोग बस यही समझ लेंगे टेस्टर चल रहा है मतलब यहाँ पर लाइन हमारा सही है, इंडक्शन या फिर टेबल फैन वगैरह हमारा खराब हो चुका है। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि सॉकेट में कभी कभी क्या होता है कि तार वगैरह लूज हो जाता है। तो तार वगैरह लूज होने से क्या होता है कि आपका लाइन बेहतर तरीके से आपको नहीं मिल पाता, जिससे आपका इंडक्शन या फिर टेबल फैन नहीं चल पाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कैसे आपको ठीक करना है वो मैं इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, इस तरह का प्रॉब्लम आपको कभी भी देखे तो आपको करना क्या है, ठीक है। नॉर्मली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ये प्रॉब्लम मैंने देखा कि इसमें टेस्टर में मेरा शो हो रहा था लेकिन मेन जो लाइन रहा था वो नहीं आ रहा था। उसके क्या प्रॉब्लम था मैं आप लोग बता देता हूँ, तार उसमें लूज हो गया था। तो आपको समझना कैसे कि इसमें हमारे जो सॉकेट है वो खराब है या नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरह के पास आपको टेस्टर रहता है नॉर्मली हर किसी के पास, ठीक है। सबसे पहले आपको टेस्टर से चेक करना है, ठीक है, इसमें टेस्टर से लाइन आ रहा है नहीं रहा। नॉर्मली अगर अर्थिंग वगैरह भी आता तो इसमें शो हो जाता, आपको पता होना चाहिए टेस्टर में। अगर उसमें लाइन आ ही नहीं रहा तो हम लोग समझ सकते कि हाँ सॉकेट में लाइन आ ही नहीं रहा है। तो लाइन आएगा टेस्टर में तो इससे हम कन्फर्म नहीं होंगे। कन्फर्म होने के क्या होगा, हमारे पास एम्पियर मीटर होना चाहिए, ठीक है। ये एम्पियर मीटर में ही वोल्ट बताता है, 230 वोल्ट वगैरह। अगर 230 वोल्ट से कम भी आता है तो उसमें भी क्या होता है आपका जो हाई वाट का रहता है उसमें आपका कोई भी चीज़ चल नहीं पाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज हमारा कम आता है, तो इसमें वोल्ट हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा वोल्ट कितना है। तो ये आपके पास होगा तो आप इजीली समझ सकते हो, अगर आपके पास ये नहीं हो तब भी आप समझ सकते हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं। आपके पास बल्ब और होल्डर होना चाहिए, ठीक है। बल्ब होल्डर होने से क्या होता है कि आपका इजिली आप समझ सकते हो कि वहाँ पर लाइन आ रही है, क्योंकि उसमें 230 वोल्ट अगर आएगा तो बल्ब और होल्डर जल जाएगा, ठीक है। तो उसे आप नॉर्मली समझ सकते हो कि हाँ हमारा इसमें लाइन आ रहा है नहीं आ रहा। तो अब मैं आप लोग बता देता हूँ कि अगर इस तरह का सॉकेट आपके पास रहे तो आपको कैसे समझना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिंपल से टिप्स है, बस अभी इसको ध्यान से देखिएगा। आपके पास नॉर्मली टेस्टर होता है, बस हम लोग क्या करना है सबसे पहले टेस्टर से चेक करना है हम उसमें कुछ भी लाइन आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारे टेस्टर में शो हो रहा है मतलब लाइट इसमें आ रहा है, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं है कि ये अर्थिंग है या फिर वोल्ट है, ठीक है। तो हम लोग कंफर्म कैसे करेंगे, कंफर्म करने के लिए आप लोगों के पास बस एम्पियर मीटर होना चाहिए। अगर एम्पियर मीटर नहीं है तब भी मैं उसका और उपाय भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले आप एम्पियर मीटर से समझ ले कि एम्पियर मीटर में क्या करना है, आपको वोल्ट में सेटअप करना है। वोल्ट में सेटअप करने के बाद आपको बस दो तार जो रहता है उसको अपने जो सॉकेट रहता है उसमें आपको लगाना है, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पर लगाकर देखा, यहाँ पर देख सकते हो हमारे डिस्प्ले में शो हो रहा है 251 वोल्ट, इस टाइप का हमारा शो हो रहा है 251 254, इस टाइप का हमारा शो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग कन्फर्म समझ चुके हैं कि इसमें वोल्ट हमारा शो हो रहा है। तो अब फ्रेंड्स अब एम्पियर मीटर से समझ चुके हैं, अब आपके पास एम्पियर मीटर ना रहा है तो इस तरह से आपके पास बल्ब होल्डर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्ब होल्डर रहेगा, बस आपको क्या करना है सॉकेट में दो तार डालना है, दो तार डालने के बाद आपको बस लाइन दे देना है। लाइन देने के बाद आप कंफर्म समझ सकते हो कि हमारा उसमें सॉकेट में लाइन आ रही है। यहाँ पर देख सकते हो बल्ब हमारा जल चुका है, मतलब यहाँ पर हमारा सॉकेट सही है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों ये प्रॉब्लम आपका होता है, सॉकेट में लाइन नहीं आता। यहाँ पर सॉकेट रहता है वहाँ दो तार आया रहता है फेज और न्यूट्रल, कोई भी तार अगर लूज होता है तो उसके वजह से भी आपका ये प्रॉब्लम आता है, इंडक्शन वगैरह आपका चल नहीं पाता। लेकिन ये जो टेस्टर रहता है इस टेस्टर में आपका शो होगा कि हाँ इसमें लाइन आ रहा है, तो टेस्टर से हम लोग कंफर्म नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। टेस्टर से मैंने आपको बताया बहुत सारा प्रॉब्लम होता है टेस्टर में, तो आपका शो होता है लेकिन जो 230 वोल्ट रहता है वो आपका शो नहीं हो पाएगा। तो बल्ब होल्डर आपके पास रहे तो बहुत अच्छा बात है, बल्ब होल्डर को आप लगाओ, इजिली आप उससे चेक कर सकते हो कि हाँ हमारा लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप बल्ब होल्डर भी रहे तो बस एम्पियर मीटर, जिस तरह मैंने आप लोग बताया एम्पियर मीटर से आप इजिली समझ सकते हो कि हाँ इसमें हमारा कितना वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यही डिटेल के बारे में मुझे बताना था फ्रेंड्स कि आप कैसे इजिली अपने घर के सॉकेट को समझ सकते हो कि हाँ उसमें लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यही डिटेल के बारे में मुझे बताना था। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।